कैरेबियन प्रीमियर लीग 2024 के आज के इस मैच में त्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम जिसने इस टूर्नामेंट में 7 मैचेस खेले, 5 जीते 2 हारे और ये टीम है पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर क्वालिफाई कर भी चुकी है अगले स्टेज के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें सेंट लूसिया किंग्स की टीम को, तो इसने 8 मैचेस खेले, 6 जीते, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है। लेकिन जब आपस में ये दोनों टीमें भिड़ी थी पहली बार इसी टूर्नामेंट के अंदर इसी सीजन में, तो वहां पर एक ऐसा मैच हुआ था जो कि एक तो हाई स्कोरिंग गेम था, वहां पर एसएलके की टीम मोस्ट ऑफ द टाइम मैच के अंदर बनी हुई थी, काफी हद तक गेम इनको लगा था। लेकिन कायरान पोलार्ड एक ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने पहले मैच में उस मैच में पहली इनिंग में बॉलिंग भी की, एकमात्र ऐसा मैच रहा जहां पर उन्होंने बॉलिंग की और बाद में सेकंड इनिंग में एक कमाल की हाफ सेंचुरी 19 गेंद पर लगाई और एक हारे हुए मैच को उन्होंने टीकेआर के टीम को जितवा दिया था उस बार। लेकिन आज के इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो मैच को बदल दें, जबकि मैच यहां पर खेला जाएगा 24 सितंबर को 7:30 बजे और दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। लेकिन लोकल टाइम जो होगा वहां पर 7:30 बजे तो भारत में होगा, इसी में 9.5 घंटे आप माइनस कर दें तो सुबह 10 बजे वहां पर मैच स्टार्ट होगा 24 सितंबर को। तो एक डे मैच है बेसिकली और यह मैच उसी मैदान ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद के अंदर खेला जाएगा जहां पर हमने पिछले वाले मैच में देखा कि एक तो इस सीजन का पहला मैच खेला गया इस मैदान पर। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम ने 193 रन बनाए 4 विकेट पर, पावर प्ले में इन्होंने 6 ओवर में 63 रन बना दिए थे 1 विकेट पर और उसके जवाब में त्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम जो आज का मैच भी खेल रही है बड़ी आसानी से उसको जीता। निकोलस पुरन ने कमाल की पारी खेली वहां पर और उसके अलावा जेसन रॉय को इन्होंने टीम में ओपन कराया जहां पर इनके दोनों ही ओपनर्स जो पिछले मैच में खेले थे उसके पहले वो नहीं खेले तो उनको उन्होंने रेस्ट कराया, तो जेसन रॉय को लेकर क्या उसका फायदा भी हो गया और उन्होंने सुनील रन के साथ मिलकर के 7 विकेट के बड़े अंतर से इस मैच को जितवा दिया। जबकि इन्होंने भी पावर प्ले में शुरुआत थोड़ी सी धीमी थी लेकिन काफी स्टेबल रही और दोनों ही इनिंग्स में देखेंगे तो स्पिनर का तो कोई खास रोल दिखा नहीं, पेसर्स ने जरूर विकेटें यहां पर निकाली। हालांकि एक रात वाला मैच था जहां पर फ्लड लाइट्स जली हुई थी, जहां पर जनरली माना जाता है कि हवा में नमी जब आती है तो पिच जहां पर दिन भर धूप पड़ी होती है रात में जाकर के उस टाइम पर थोड़ी बहुत जो हवा की नमी होती है रात की वजह से पिच और बेहतर होती जाती है बैटिंग कल करने के लिए सेकेंड इनिंग में। लेकिन आज चूंकि डे मैच होगा तो कंडीशंस बिल्कुल अलग होंगी, मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी टीम हो सकता है पहले फील्डिंग करने जाए लेकिन धूप तो तगड़ी रहेगी ये बात पक्की है। तो यहां पर सेकेंड इनिंग की बैटिंग उतना भी आसान नहीं रहेगा जितने पहले मैच में रहा और इंटरेस्टिंग एक और चीज होगी देखना कि क्या इसी मैच वाली पिच का मैच यूज होगा, मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस पिच पर यह वाला मैच खेला गया था क्या वही पिच आज के मैच में होगा या कोई डिफरेंट फ्रेश विकेट होगा, जो कि जनरली अभी तक सीपीएल में ऐसा देखने को नहीं मिला है कि लगातार 2-3 मैचेस तो एक पिच पर होते ही हैं। यहां पर आपको कुछ और मैचेस का स्कोर कार्ड दिखेगा जरूर लेकिन उसका कोई खास यूज है नहीं, बाकी अगर आप देखें तो चेज करने वाली टीमें यहां पर ज्यादातर फायदे में रहती हैं पिछले 9 में से 7 मैचेस जीत करके। बाकी जैसा तक आपने पिछले वाले मैच में देखा आज भी एक्सपेक्टेड है कि चेज करना ही टीमें प्रेफर करें, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि बैटिंग सेकंड करना आज के इस मैच में स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग में मुश्किल हो सकता है, उसमें दोनों टीमों की स्पिन का स्ट्रेंथ भी हमको देखना पड़ेगा, उसको हम आगे समझते हैं। लेकिन एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो जानना कि जो पिच आज के इस मैच में यूज होगी वो सेम पहले मैच वाली रहेगी या कोई फ्रेश होगी, तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो जाइए लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, क्लिक करिए उस लिंक को, टेलीग्राम के चैनल के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए और व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर आइए, फॉलो बटन को क्लिक करके इसको ज्वाइन हो जाइए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फिलहाल आपके सामने दोनों टीमों का प्लेइंग 11 है जिसमें अगर आप देखें बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है, उसमें कुछ खास बताने की जरूरत है नहीं और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ये जो बैटिंग ऑर्डर हो सकता है चेंजेस इस टीम में हों उसकी एक्सपेक्टेशन फिलहाल मुझे आज कम दिखाई पड़ती है। मुझे नहीं लगता सुनील नारायण या सकेर पैलेस को वापस लेकर के आएंगे आज के इस मैच के लिए, बाकी देखते हैं अगर सुनील नारायण आ जाते हैं इस टीम में एक बार फिर से खेलते हैं तो उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग और साथ ही साथ अकील हुसैन है उसके बाद वकार सलाम खेले तब तो ये टीम स्पिन डिपार्टमेंट काफी मजबूत हो जाएगा और साथ ही साथ पेसर्स भी इनके पास ऐसे हैं जो सेकंड इनिंग में स्लो होती पिचों पर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, जैसे एक तो है क्रिस जॉर्डन, दूसरे हैं ड्वेन ब्रावो जो कि उम्मीद नहीं थी खेलेंगे लेकिन खेल गए, बाकी 2 ओवर तो कर ही रहे लगभग हर मैच में आंद्रे रसेल और अगर कायरान पोलार्ड भी उसमें आ गए तो ये टीम ओवरऑल बैटिंग से तो मजबूत दिखाई पड़ती है, बॉलिंग में स्पिन डिपार्टमेंट भी बेहतर है, साथ ही साथ इनकी पेस अटैक भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन वहीं पर दूसरी जो टीम है नंबर 1 की इस टूर्नामेंट की, इसको अगर आप देखेंगे तो ये टीम अपना पिछला वाला मैच ऐसी पिच पर खेल करके आ रही है जो कि स्पिन फ्रेंडली थी, तो यानी कि इन्होंने दिखाया पिछले मैच में कि कितनी अच्छी स्पिन खेल सकते जबकि उम्मीद नहीं थी। जॉनसन चार्ल्स ने जो कि स्पिन खेलने के लिए नहीं जाने जाते एक अच्छी पारी खेली और इनके पास बाकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे जिसमें रोस्टन चेज भी हैं जो ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं और पिछले मैच में जब ये दोनों टीमें आपस
में भिड़ी थी, तो उन्होंने ही मैच जितवाया भी था काफ़ी पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए, हालांकि जिता नहीं पाए थे मैच को, लेकिन बड़ी अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। बाकी इनकी स्पिन डिपार्टमेंट देखेंगे तो इसमें खैरी पियरी हैं, मिकेल गोविया हैं और साथ ही साथ रोस्टन चेज हैं और इसके अलावा नूर अहमद। तो अगर एक्सपीरियंस वाइज अगर आप जाएंगे तो ये टीम थोड़ी सी लेस एक्सपीरियंस दिखाई पड़ती है। नूर अहमद और साथ ही साथ रोस्टन चेज के अलावा जो इनके पास स्पिनर हैं उतने एक्सपीरियंस्ड है नहीं, तो स्पिन डिपार्टमेंट में साफ दिखाई पड़ता कि ये टीम थोड़ी कमजोर है। बाकी पेसर्स अगर आप इनके देखेंगे तो इनके पास अलजारी जोजफ हैं, इसके अलावा डेविड वीजे हैं और बाकी कोई तेज गेंदबाज पिछले मैच में तो खेला नहीं था, चूंकि वो पिच ही ऐसी थी जहां पर मैचेस हो रहे थे वो स्पिन फ्रेंडली थी, तो इन्होंने ज्यादातर स्पिनर को खिलाया, इवन मिकेल गोविया को भी खिलाया। और उस पिच पर आज का जो मैदान होगा, मुझे जहां तक लगता है कि मिकेल गोविया बाहर बैठेंगे और आ जाएंगे नवीनुल हक, और अगर नवीनुल हक आ जाते हैं तो डेफिनेटली अलजारी जोजफ के साथ मिलकर के और डेविड वीजे के साथ मिलकर के एक डिसेंट पेसर अटैक तो इनका बन जाता है। बैटिंग भी अगर आप देखेंगे इनकी तो ये ओवरऑल जो कंपैरिजन बनता है उसमें आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टीकेआर की टीम है मोर देन स्ट्रॉन्गर एसएलके, यानी कि बेहतरीन टीम दिखाई पड़ती है इनके सामने, तो गेम तो इनका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी बेंच इन दोनों टीमों का आप देख सकते हैं, बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करता है टीकेआर की तरफ से एसएलके की तरफ से वो भी आप देख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब स्टैट्स की तरफ आएंगे और प्लेयर सिलेक्शन भी यहीं से हम तय करेंगे, और आज के इस मैच में अगर आप देखेंगे जब फैंटेसी एप्लीकेशंस में आप जाएंगे टीम बनाने के लिए, तो टीकेआर की टीम एक ऐसी टीम रहेगी जिनके प्लेयर्स को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज हैं। अगर आप देखेंगे और कंफ्यूज हैं उसका रीजन भी है, क्योंकि सुनील नारायण देखिए पिछला वाला मैच खेले नहीं, तो इनको लोग हालांकि उसके बावजूद लेकर के जाएंगे 90-80% लोग इनको लेकर के जाएंगे। पिछला मैच जो खेले थे उसमें से अगर आप देखेंगे तो निकोलस पूरन हो गए, आंद्रे रसेल हो गए और वकार सलाम खेल हो गए, ये तो सभी की टीम में है। स्टिल सुनील नारायण पिछले मैच में नहीं खेले तो वो भी सभी की टीम में है, और अगर खेलते हैं तो होने भी चाहिए, नहीं खेलते हैं तब तो उनको छोड़ ही दीजिए। बाकी ये जो सकेयर पेरिस एक नाम है, ये भी पिछला मैच नहीं खेले थे और आज भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि शायद ना ही खेलें। और लेकिन अगर आप देखें तो इन्होंने ही जो पहला मैच इन दोनों टीमों के बीच हुआ था उसमें 57 रन की शानदार पारी खेली थी, तो एक बेहतरीन ऑप्शन तो होंगे अगर खेलते हैं तो। लेकिन ये जो तीन सेफ ऑप्शंस हैं जिनको लेकर के कोई कन्फ्यूजन है नहीं, और इवन अगर सुनील नारायण खेल जाते हैं तो इसके अलावा जो बाकी नाम है जैसे यहाँ पर किसी कार्टी हैं, टीम डेविड हैं, कायरान पोलार्ड जिन्होंने इसी टीम के खिलाफ जब पहला मैच खेला था तो 52 नाबाद की एक मैच विनिंग इनिंग भी खेली थी और एक विकेट भी लिया था, तो क्यों इनको ना लेकर के जाएं? लोग इनको लेकर के कन्फ्यूज हैं, आधे लोग यानी कि 40-50% लोग इनको लेकर जा रहे हैं। बाकी बॉलिंग में लोग अकील हुसैन को लेकर के, क्रिस जॉर्डन को लेकर के भी कन्फ्यूज हैं, आधे लोग इनके साथ जाएंगे आधे लोग इनके साथ जाएंगे, जबकि दोनों ही काफ़ी शानदार ऑप्शन है। तो क्या हम इन इग्नोर्ड प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं या नहीं, या जो ये सेफ ऑप्शन हैं और इवन सुनील नारायण को लेकर के या उन्हीं के साथ हम कंटेन करें, ये तो आपने कम से कम एक चीज़ समझ ली कि जेसन रॉय भी देखिए पिछला मैच खेले थे, इन्होंने 64 रन की शानदार पारी खेली थी और अपनी टीम को बेसिकली बेहतरीन स्कोर को चेज करने में मदद कराया। बाकी जेडन सील्स भी खेले थे, टेरन साइंस तो नहीं खेले थे, ड्वेन ब्रावो भी खेल गए थे पिछला मैच, विकेट इनको मिला नहीं था। तो रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो इसमें ये तो तय है कि जो सुनील नारायण और सकेयर पेरिस अच्छे फॉर्म में थे जब खेल रहे थे तो डेफिनेटली अच्छे चॉइसेस हैं। बाकी निकोलस पूरन ने पिछले मैच में जिस तरह के पारी खेली उन्होंने दिखा दिया कैसे प्लेयर हैं। किसी कार्टेज जिनके टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी हुई थी पिछले कुछ मैचेस में कुछ खास कर नहीं पाए, टीम डेविड भी कुछ खास अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन कायरान पोलार्ड ये बेहतरीन फॉर्म में है, जब भी मौका मिला इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंसेज दी हैं। बाकी रसेल ने कुछ खास नहीं किया है, 3 मैचेस खेल करके केवल 1 विकेट है और केवल 1 अच्छी पारी है, लेकिन ये है ही चमत्कारी प्लेयर, स्मॉल लीग की टीमों में इनको इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी अकील हुसैन इन्होंने पिछले 4 मैचेस में देखेंगे तो 5 विकेट लिए, क्रिस जॉर्डन को पहले मैच में तो नहीं दूसरे मैच में 2 विकेट मिल गया, और जैसी पिच आज रहेगी वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट है। जोशुआ लिटिल पिछले मैच में नहीं खेले थे, बाकी वकार सलाम खेल पिछले 2 मैचेस से बैक टू बैक इनको विकेट नहीं मिली है, उसके पहले इनका पूरा टूर्नामेंट काफी शानदार रहा था। बाकी जो नाम है वो तो देख ही पा रहे होंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि रीसेंट फॉर्म को देखने के साथ साथ यहां पर करियर भी आप देख लीजिए कि हर एक प्लेयर का पहली इनिंग और सेकंड इनिंग के हिसाब से कि क्या बैटिंग एवरेज होता है। जैसे अगर आप देखें सकेयर पेरिस ज्यादातर बेहतर खेलते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में, और उसी तरह से बॉलिंग का स्ट्राइक रेट भी देखें जिसमें आपको यह समझ में आएगा कि जैसे जोशुआ लिटिल जैसे एक बॉलर हैं या क्रिस जॉर्डन जो बॉलर हैं वो कितनी गेंदें लगाते हैं एक विकेट निकालने में ऑन एन एवरेज अपने पूरे करियर में T20 के दौरान। तो ये तो आंकड़े आपके सामने थे, आपने ये समझा कौन कैसे फॉर्म में है, कौन ज्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन है लोगों के टीम में जाने के लिए, किसको लेकर के प्लेयर को लेकर के कंफ्यूज है लोग, और जो कंफ्यूजन है जिन प्लेयरों को लेकर के, जैसे आपको मैंने बताया था कि क्रिस जॉर्डन तो वो तो खेले ही नहीं हेड टू हेड की जब हम बात करते हैं, चूंकि हम कंफ्यूजन ही दूर करने आए हैं फिलहाल, और जब हेड टू हेड के आंकड़े देखते तो क्रिस जॉर्डन खेले ही नहीं, लेकिन वहीं पर अकील हुसैन को देखेंगे तो 15 मैच में केवल 8 विकेट है, तो स्टिल इनको लेकर के कुछ हद तक आप समझ सकते हैं कि इनको आप इग्नोर करें जैसे इनके बेकार आंकड़े हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, और पिच भी ऐसी है जो बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो वकार सलाम खेल भी हैं 2 मैच पर 3 विकेट, इनको लोग लेके जा भी रहे हैं। हालांकि ड्वेन ब्रावो के आंकड़े भी शानदार है, लेकिन अभी तक जो भी मैचेस इन्होंने खेले कुछ खास किया नहीं,
हैं, बाकी जेडन सील्स के आंकड़े हैं, टेरन सैंड्स के आंकड़े हैं, जेसन रॉय जो कि एक मैच पे केवल 16 रन है, लेकिन बाकी जो और ऊपर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर कायरान पोलार्ड इस टीम के खिलाफ हमेशा से शानदार रहे हैं और इनको मैं कहूँगा कि 100% किसी भी तरीके की कंडीशन आप इनको मिस मत करिए, और खास करके तब जब ये दोनों प्लेयर अगर नहीं खेल रहे होंगे, जैसा कि पिछले मैच में इन्होंने खेला भी नहीं था, हालांकि इनके आंकड़े आप देख लीजिए, दोनों के आंकड़े काफ़ी शानदार हैं, अगर खेलते हैं तो दोनों आपकी टीम में आने चाहिए, नहीं खेलते हैं तो निकोलस पूरन तो आपके टीम में रहेंगे ही और तब वहां पर कायरान पोलार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों जो नाम हैं ये ग्रैंड लीग के लिए तो साथ ही साथ स्मॉल लीग के लिए रिस्की तो रहेंगे लेकिन बड़े ट्रंप हो सकते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं और बाकी प्लेयर्स के नंबर्स भी आपके सामने, इसमें अंदर असल के 18 मैच में 27 के एवरेज है और 16 विकटे हैं, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन तो रहेंगे। लेकिन एक और जो डेटा बेस है हमारे पास वो है वेन्यू का आंकड़ा कि इस मैदान पर कैसा खेलते हैं ये टीकेआर के प्लेयर्स, और उसमें देखेंगे तो सुनील नारायण यहां पर भी शानदार दिखाई पड़ते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा खेलेंगे कि नहीं, बाकी निकोलस पूरन के आंकड़े भी ठीक ठाक है, खास करके सेकंड इनिंग की बैटिंग में किसी कार्टी और टीम डेविड यहां पर नहीं चले, कायरान पोलार्ड के 10 में से 212 रन 7 विकेट हैं, तो नंबर्स ओवरऑल एज अ ऑलराउंडर काफी बेहतर हैं। बाकी यहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे एज अ बैटर जबरदस्त तरीके से आंद्रे रसल, अकील हुसैन के नंबर भी यहां पर काफी अच्छे हैं, 19 मैच में 21 विकेट हैं, और खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में, हालांकि स्ट्राइक रेट वहां पर भी 19 का है, यानी कि ऑन एन एवरेज एक ही विकेट निकाल पा रहे हैं, बेहतर से बेहतर भी कर पा रहे हैं तो, लेकिन क्रिस जॉर्डन यहाँ पर आपके पास है जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफेस्ट हैं एज ए बॉलर, और ट्रंप भी रहेंगे, 2 मैच में 4 विकेट ले चुके, वकार सलाम खेल को इस मैदान पर 3 मैच में केवल 1 विकेट मिला है, और इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर किसी मैदान पर सबसे खराब खेले हैं तो यही मैदान, बाकी 14 मैच में 15 विकेट हैं ड्वेन ब्रावो के, वो तो देखना पड़ेगा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बाकी 1 मैच में 64 रन इसी मैदान पर अभी पिछले मैच में जेसन रॉय ने बनाया, और बाकी जेडन सील्स के 7 मैच में 8 विकेट हैं, हालांकि इनके साथ एक दिक्कत ये है कि इनको 2 ही ओवर मिल पा रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो स्ट्राइक रेट अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है और नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ये टीम थी टीकेआर की, जिसकी तरफ से कन्फ्यूजन्स को आपको मैंने काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की, ठीक उसी तरह से दूसरी जो टीम है एसएलके यानी कि सेंट लूसिया किंग्स की, इनके भी प्लेयर्स का पूरा करियर इनिंग की बेसिस पर इधर आपके सामने है और यहाँ पर आपके सामने रीसेंट फॉर्म है जिसमें आप देखेंगे कि फाफ डू प्लेसेस हालांकि पिछले मैच में नहीं चले थे लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली काफ़ी ठीक ठाक रन इन्होंने बना रखे हैं तो फॉर्म में तो दिखाई पड़े हैं, और जॉनसन चार्ल्स ने जैसा कि पिछले मैच में इन्होंने 53 की जो पारी के लिए ऐसी पिच पर जो कि काफ़ी अच्छी नहीं थी बैटिंग के लिए खास करके, लेकिन स्टिल इन्होंने 53 बनाया तो बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े। अकीम अगस्त ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की, इसके बाद रोस्टन चेज भी काफ़ी बेहतर करते रहे हैं पिछले मैच को छोड़ करके, टीम साइफर्ट ने पिछले 2 मैच में खास करके नीचे आकर के बड़ी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन ये जैसी पिच आज मिलने वाली है और अगर ये सारे जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं उनको हम टीम में लेके जाएंगे ही तो इनकी यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि शायद इनकी बैटिंग भी ना आए, तो वहां पर अगर आप देखें पहली इनिंग की बैटिंग है तो जरूर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रोल प्ले कर सकता है अगर ऊपर से कुछ कोलैप्स हुआ तो, लेकिन कोलैप्स तो आप डेफिनेटली अगर आप चारों को लेकर के जा रहे हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन अकीम अगस्त की जगह पर आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक आपके टीम में जा सकता है। बाकी डेविड वीजे पिछले मैच में 2 विकेट लेकर के गए और जनरली आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि सेकेंड इनिंग की अगर बॉलिंग है तो ही डेविड वीज ज़्यादा बेहतर साबित होते रहे हैं अगर पिच स्लो नहीं होती है तो, खास करके। इसके बाद यहाँ पर सदराग डिस्क्रेटस जिनको 3 मैचेस में मौका मिला उसके बाद खेले नहीं, अलजारी जो जब खास करके पिछले 4 मैचेस से काफ़ी लीथल दिखाई पड़े हैं, अगर आप देखेंगे 9 विकेट हैं पिछले 4 मैचेस में, खैरी पियरे ने बॉलिंग अच्छी की है लेकिन विकटें उतनी नहीं निकाल पाए, नूर अहमद ने लगातार विकटें निकाली हैं, तो ये दोनों भी काफ़ी शानदार फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, और बाकी तो बेंच के नाम है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आज मिकेल गोविया को ना खिला करके ये लोग वापस लेकर के आएंगे नवीनुल हक को, तो उसके चांसेस काफ़ी दिखाई पड़ते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो जो खिलाड़ी हैं इनमें से अगर आप प्लेयर सिलेक्शन के हिसाब से जाएंगे तो उसमें आप देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर फाफ डू प्लेसिस सभी की टीम में जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज और डेविड वीजे, और उसके अलावा अलजारी जोसेफ और नूर अहमद, ये सारे प्लेयर ऐसे हैं जिन, और ये खास करके एक ऐसी टीम है जिनके प्लेयर्स को लेकर के लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है, इन्हीं 6 प्लेयरों के साथ लोग जाने वाले हैं आज के इस मैच में, लेकिन आपके पास डेफिनेटली टीम साइफर्ट और अकीम अगस्त में से एक ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वही है कि रिस्की रहेगा दोनों में से किसी को भी लेना, और बाकी अगर आप देखेंगे नीचे अगर पाएंगे तो खैरी पीरे जैसा बॉलर, और देखना पड़ेगा कि मिकेल गोविया की जगह पर ये किसको खिलाते हैं, किस तेज गेंदबाज को, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रहेगा उसको पिक करना, तो उसके लिए तो डेफिनेटली हमको मैच के बाद टॉस का अपडेट देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े भी देख लें तो उसमें हेड टू हेड आता है जिसमें खैरी पियरे के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, नूर अहमद के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, और अगर आप देखें तो 14 मैच में 16 विकेट अलजारी जोसेफ के भी हैं लेकिन खास करके सेकेंड इनिंग में ज़्यादा कामयाब है, सदराग डिस्क्रेटस के आंकड़े भी ठीक ठाक है, डेविड वीजे भी अच्छा करते हुए दिखाई पड़े हैं, और साथ ही साथ ऊपर अगर पाएं तो रोस्टन चेज के आंकड़े थोड़े से एवरेज हैं लेकिन फिर भी एज ए ऑलराउंडर इन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिला रखे हैं, बाकी जॉनसन चार्ल्स और फाफ डू प्लेसिस तो बेहतर दिखाई पड़े हैं, हालांकि
फाइव डुप्लेसिस की एक इस इनिंग को अगर आप हटा दें तो ज्यादा रन बनते नहीं है बाकी छह मैचेस में। तो एवरेज भी आप इसी वजह से देखेंगे, पहली इनिंग का भी 19 है, सेकंड इनिंग का भी 14 है, लेकिन इनसे एक अच्छी पारी ड्यू है और बैटिंग पिच है तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगा कि बेहतर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाकी वेन्यू का भी आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं और उसमें अगर आप देखेंगे तो इस मैदान पर 2 मैच 43 रन है फाइव डुप्लेसिस के। यहां पर जॉसन चार्ल्स भी ठीक ठाक ही चले हैं, यहां पर आंकड़े रोस्टन जेज के काफी अच्छे हैं, टीम साइफर्ड के नंबर्स भी एवरेज हैं, बाकी डेविड वीजे यहां पर काफी बेहतर रहे हैं। यहां पर सदराग डिस्क्रिटस ने एक मैच में 43 रन बनाए हैं, 10 में 12 विकेट यानी कि बॉलर्स भी यहां पर काफी हद तक कामयाब रहे हैं, मैथ्यू फोर्ड के 7 मैच 5 विकेट हैं। तो ये जो सारे आंकड़े आपने देखे सभी प्लेयर्स की आज के इस मैच के दौरान जो खेलने वाले हैं और उसके हिसाब से जो प्लेयरों को आपने रोटेट करने की एक तरकीब देखी पूरे वीडियो के दौरान कि कब किसको आप रोटेट करके अपनी टीम में ला सकते हैं, खास करके जो सामने पहले टीम थी टीकेआर की टीम उनकी तरफ से, तो ये तो तय है कि टॉस हो जाएगा तो ही फाइनल टीम बन पाएगी, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं दूंगा और इन चैनलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देख करके ये टीम चाहे तो बना करके सेव कर लीजिए, बाकी एक ही फार्मूला है, वीडियो पूरा देख लीजिए, टीम वैसे भी आप बनाना सीख जाएंगे चाहे ग्रैंड लीग की हो चाहे स्मॉल लीग की हो। तो पूरा वीडियो देखिए, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।